हैं, लेट्स से इफ कलर ऑफ द फोर बैंड्स आर रेड ब्राउन रेड सिल्वर, अगर ये चार कलर दिए हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमें ये टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल गिवन ही होगा आपको। तो रेड का सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर टू, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फिर आपका सेकंड कलर क्या है ब्राउन, सेकंड ब्राउन का वन, तो टू वन, थर्ड, थर्ड है डेसिमल मल्टीप्लायर इनटू इनटू कौन सा है थर्ड यहाँ पे कलर रेड, तो रेड का डेसिमल मल्टीप्लायर 10^2, तीसरा ओम, और लास्ट वन कलर इज द सिल्वर, तो सिल्वर के आगे देखिए यहाँ पे कितना है टॉलरेंस ±10%। सो ये चार फिगर है 1, 2, 3, 4, अगर इसमें लास्ट वाला नहीं दिया हो तो टॉलरेंस हम कितनी लेंगे ±20%। सो लाइक दिस वी डू द कलर कोडिंग। देर आर सम अदर और भी कोई लाइन्स हैं बाई विच वी कैन रिमेंबर द कलर कोडिंग। आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ द ओम लॉ, ये हमने पढ़ा था, जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस इट इज, एंड इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विद ई स्मॉल ई कैपिटल ई एम एन टाओ, ये भी हमने पढ़ा था, एंड दिस ये हमने भी पढ़ा था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। नाउ व्हाट वी डू द कंबाइनिंग ऑफ ऑल द टर्म, कैसे वी डी इज इक्वल टू वी डी में हम क्या वी डी इज इक्वल टू ये वाला ई ए एम अमाउंट आओ, इसमें ई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है ई की वैल्यू वी बाई एल, ओके वी बाई एल पुट की। आफ्टर दैट ये जो वी डी की वैल्यू है, ये वी डी की वैल्यू जो भी हाई है दैट वी पुट इन द इन दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन ई ए अपॉन इन टू ये वी डी की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे लिख दी। After that we do the solving this n e square a tau upon m into e into v potential difference। अगर हम देखें v by i क्या होता है potential difference, अगर i को इधर ले जाएं तो ये सारी term reciprocal को इधर आ जाएगी, तो v by i m l upon n e square a upon tau, so v i क्या denote कर रहा है आपका resistance, m l upon n e square a tau, सो ये भी हमें पता है ये टर्म आ गई रेजिस्टेंस की टर्म में, ओके रेजिस्टेंस हमें पता है इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी आर एल बाय ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाय ए दैट वी डिड इन क्लास टेंथ, ये हमने टेंथ में पढ़ा था। सो वी कंपेयर बोथ द टर्म एल और ए, अगर हम यहाँ से दोनों को काट दें तो रो की वैल्यू किसके बराबर आएगी एम एन ई स्क्वायर टाउ, ओके ओके सो एम एंड ई आर द कॉन्स्टेंट, सो रो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, ओके एंड टाओ इज द रिलैक्सेशन टाइम, सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई एन टाओ, यू हैव टू कीप द रिलेशन ऑफ आर एंड रो इन योर माइंड।